जब हमारा कार्ड प्लेस हो रहा है तो फिर हमारा कार्ड आगे से पास होके बैक साइड उसका कार्ड निकल जाएगा। अभी हमारा कार्ड बैक साइड निकल गया है, फिर भी तसल्ली के लिए हम उसको दोबारा यहाँ से डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि बाई चांस थोड़ी बहुत हीट अगर छूट गई हो तो प्रॉपरली उसको सेट हो जाए। आप छोटे मशीन में भी कर सकते हैं, बड़े मशीन में भी कर सकते हैं हीट प्रॉपर आने पर। खास ध्यान रहे कि मैंने बताया वैसे ही जो रफ सरफेस है वो अंदर रहनी चाहिए और प्लेन सरफेस है बाहर रहनी चाहिए। अभी ये जो कार्ड पूरा कड़क, पूरा मजबूत, पूरी शाइनिंग, ना टूटने का डर, ना फटने का डर, ना ही किसी इम्प्रेशन का मिटने का डर, क्योंकि ये कैनन में बना हुआ एकदम जबरदस्त नया कार्ड है, पूरा न्यू जनरेशन का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर बाजार। आपका खूब खूब स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूँ। जो हमारा पीवीसी कार्ड है वो आप अपने ही एग्जिस्टिंग प्रिंटर जो आप यूज़ कर रहे हैं कैनन का उसमें बना सकते हैं। कैनन का जो सेंटर फिटिंग वाला प्रिंटर है उसके कौन कौन से मॉडल है उसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपकी ये परेशानी का जो सबब है वो ये कि आप जब भी पीवीसी कार्ड प्रिंट करना चाहते थे, आप नॉर्मली मार्केट से कार्ड परचेस करते थे, उसी कार्ड को लेकर आप प्रिंटर में इंसर्ट करते थे। जब आपका कार्ड अंदर इंसर्ट हो जाता था, जब आप उसको प्रिंट करते थे तो प्रिंट में आपको दो परेशानी आती। पहली तो कार्ड अंदर से बाहर निकल जाता था, वो प्रिंट नहीं करता था। दूसरी परेशानी को फंस जाता था, एक ही जगह पर पड़ा रहता था और कंटिन्यू प्रिंट करता रहता था। और तीसरा प्रॉब्लम आपको ये आता था कि जितने भी बार कार्ड डालो कार्ड पूरा प्रिंट होकर निकलता ही नहीं था, यहाँ से जगह छोड़ के ही प्रिंट करता था। जगह छोड़ने का रीजन ये था कि आपकी जो कार्ड है उसकी मोटाई, ये मोटाई को आपका जो प्रिंटर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरे कि ये जो कार्ड है उसकी हार्डनेस, अब इसकी हार्डनेस की वजह से बाई चांस दो चार बार चल भी गया तो आपने थोड़े बहुत कार्ड निकाल भी लिए तो फिर क्या होगा, एक तो आपका जो पेपर का पिकअप है उस पर उसकी असर पड़ती है। वो असर पड़ने के बाद क्या होता है कि बाकी के जो फोटो पेपर है या नॉर्मल पेपर उसको लेने में परेशानी हो सकती है, इससे भी आपका काम उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो इसकी हार्डनेस की वजह से जब ये पास हो जाता है तो इसका जो गैप रहता है, इसकी जो हार्डनेस आप देख पाते हैं उससे क्या होता है, ये थिकनेस की वजह से आपके हेड से टकराने के चांस उसके इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रिंटर बना है वो इतनी थिकनेस के लिए नहीं बना है। हेड जब भी कार्ड को या पेपर को प्रिंट करता है तो बहुत नीचे से प्रिंट करता है, उस टाइम हेड से टकरा कर आपके हेड को डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका प्रिंटर जो बना है वो पेपर के लिए बना है। ठीक है, तो हमने बहुत ही उसका एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन निकाल दिया है। उसके लिए हमारा जो पीवीसी सॉफ्ट कार्ड हमने नया लॉन्च किया है उससे आपके प्रिंटर में बहुत ही आसानी से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसका तरीका भी बता रहा हूँ और उसकी खूबी भी बता रहा हूँ। अब जैसे आपके पास पैकेट आएगा तो उसमें आपको इस तरह से पैकेट मिलेगा, वाइट मीडिया जो है बीच में रहेगा और कोटिंग मीडिया वो साइड में रहेगा। हमें क्या करना है, बीच में से वाइट मीडिया निकाल लेना है और वाइट मीडिया जो हमारा है वो एकदम स्लिम है। ये नॉर्मल पीवीसी है लेकिन पतला पीवीसी है, ये कोई पेपर नहीं है। पतला पीवीसी होने के वजह से ये मुड़ जाता है और लचक होती है। अब इसको हम प्रिंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल फैसिलिटी है, उसमें आपको प्रिंट करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर है सीबी पीवीसी प्रिंटिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को चालू करेंगे। सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आ रहा है प्रिंट फ्रॉम पीडीएफ, दूसरा ऑप्शन है स्कैन एंड प्रिंट। प्रिंट फ्रॉम पीडीएफ की वजह से हेल्प से हम लोग पूरे जो भी का मतलब पीडीएफ है हमारे पास उससे हम लोग कार्ड निकाल सकते हैं। ओपन पीडीएफ, उसमें हम लोग अपना एक कार्ड खोल रहे हैं। उसमें एक्सट्रैक्ट फ्रंट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट बैक, इससे कार्ड दोनों सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद उसको हमें प्रिंट करने के लिए जाना है प्रिंट कमांड में। प्रिंट कमांड में जाने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग प्रिंटर के हिसाब से। अगर आपके पास एप्सन का प्रिंटर तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, कैनन का है तो उसको कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैनन के प्रिंटर में जिसमें हम उसको फ्रंट पे प्रिंट करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रिंटर है वो डुप्लेक्स नहीं है इसलिए पहले फ्रंट करेंगे फिर बैक करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं फ्रंट। फ्रंट प्रिंट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। और इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपके पास जो कार्ड आ रहा है वो हर बार उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो कभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा लाइट करना है, थोड़ा डार्क करना है, तो मेरा सजेशन है कि अगर कार्ड आपको लाइट रखना है तो आपको क्या करना है, उसमें जाके थोड़ा सा उसको लिटरली
लिटिल बिट डार्क कर देना है। इस यहाँ से उसकी कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस आपको प्लस माइनस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा जो बैक साइड है उसको भी आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से भी आप उसको डार्क करने के बाद इसको यहाँ बैक साइड में रोटेट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और याद रखिए इसको 180 मतलब ऐसे लगा लगा के पूरा 180 पे ले जाना है। अब कार्ड पूरा उल्टा हो चुका है उसको ओके कर दिया। अब दोनों कार्ड रेडी हो गए प्रिंट देने के लिए। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ से प्रिंट के कमांड में जाइए, प्रिंट फ्रॉम कैनन में जाइए, कैनन में आपको प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाइए। जैसे आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली उसमें आपको करना है फोटो प्रिंटिंग। फोटो प्रिंटिंग के बाद आपको करना है कार्ड साइज। कार्ड साइज आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर क्वालिटी को हाई कर देना है। ये तीन चीज़ करने के बाद आपको लास्ट में पहुंचना है पेज सेटअप। जब आप पेज सेटअप पे पहुंच गए तो आपको याद रहे कि अमाउंट एक्सटेंशन वाला जो बार है ना उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना है और यहाँ कर देना। यहाँ लगाने के बाद आपको ओके करना है। अगर आप बाई चांस ये प्रोसेस आप भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये ओके किया अब ये प्रिंट कमांड चालू हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में एक प्रिंटर के कार्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। अभी जो है हमारा कार्ड प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। अभी जब प्रिंट हो जाएगा तो पहले हम फ्रंट करेंगे फिर उसको बैक करेंगे। कार्ड की क्वालिटी आप देख चुके हैं, ये कार्ड जो है वो वाटरप्रूफ भी है। इसको पानी में अगर आप 10-15 दिन रखेंगे तो इसको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा ये कार्ड पे आगे पीछे जो कोटिंग है हमारा, खास मैं बता दूं आपको कि प्रिंट करने से पहले आपको ये करना है कि ये जो अपना कार्ड है उसको बीच में से खोलना है, कोटिंग को बीच में से खोलना है। और खोलने के बाद ये व्हाइट मीडिया जिसको मैं प्रिंट कर रहा है वो व्हाइट मीडिया को आपको उसके बीच में रखना है। कैसे रखना है, ऐसे ये जो रफ सरफेस है जो चिकनी सरफेस है वो अंदर रहेगी और जो प्लेन है वो बाहर रहेगी। इस तरह से खोलने के बाद बीच में रखने के बाद इसको यहाँ से सेट करना है और सेट करने के बाद आपको इसको लैमिनेशन मशीन में एंटर करना है। एंटर करने से पहले मशीन को आपको 180 डिग्री तक फुल हीट कर देना है। फुल हीट करने के बाद हम इसकी प्रोसेस आगे करेंगे। अभी हमारा कार्ड एक प्रिंट होकर बाहर आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ उसको कैसे यूज करना है। अभी जैसे अपना एक कार्ड प्रिंट हो रहा है तो इसी कार्ड को हम इसी प्रोसेस से जाके उसमें करेंगे। अगर लैमिनेशन की डिटेल आपको चाहिए तो उसमें जो भी मशीन जिसकी कैपेसिटी 180 डिग्री हो, 180 तक जो गर्म हो पाए तो फुल हीट पे काम करेगा उसको, उसमें से ये आपको काम करने में बहुत इजी रहेगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि वो नेक्स्ट आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ये कार्ड है उसका हम एक डेमो वर्जन भी हमारे पास है, अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करने के लिए एक ट्रायल पैक भी हमारा है। वो ट्रायल पैक आपको इस तरह से आएगा पूरे बॉक्स में। बॉक्स को खोलने पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी उसमें, एक 20 कार्ड मिलेंगे और एक की कार्ड मिलेगा। जो की कार्ड है यहाँ अलग अलग स्कैनिंग का ऑप्शन दिए, यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा, हाउ टू यूज़ का वीडियो भी इससे मिल जाएगा। और जब आप हमारा डेमो डाउनलोड करें तो डेमो के अंदर आपको ये डेमो का की डालना है। ये ट्रायल पैक में 20 कार्ड है और 7 दिन का पूरा सॉफ्टवेयर, फुल सॉफ्टवेयर आप सारी फैसिलिटीज यूज करके चेक कर सकते हैं। आपको अगर सही लगता है तो फिर आगे बढ़ के उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। ये डेमो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। वो दूसरी चीज, अब हमारा कार्ड जो है बिल्कुल प्रिंटों के बाहर आ गया है, इसको देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस सेम कार्ड को हम लोग उसमें उल्टा डालेंगे, जो व्हाइट पोर्शन है ये आगे रहेगा। अब जो बैक साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग कार्ड को बैक साइड में एंटर कर रहे हैं। अब कार्ड भी हमारा एंटर हो चुका है। अब कार्ड डालने के बाद हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी हमने रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको हमें प्रिंट में जाना है, प्रिंट गए कैनन बैक में गए। ये करने के बाद जो अगला जो हमने सेटिंग करके रखा है वही करना है, फोटो प्रिंटिंग, कार्ड साइज, हाई क्वालिटी और पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप भी देख लिया हमने, ओके हो गया। अभी इसके लिए हमने फिर आपको मैं समझा देता हूँ, प्रॉपर्टी में जाने के बाद फोटो प्रिंटिंग, कार्ड साइज, हाई क्वालिटी और पेज सेटअप, पेज सेटअप में जाके अमाउंट को रिड्यूस करना है। उसको अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन ये भी रहता है, इसको आप सेव कर लें। सेव करने में क्या होता है कि यहाँ से आप सॉफ्ट कार्ड लिख दें, सॉफ्ट कार्ड को यहाँ ओके करने के बाद ये आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। अगर एक्चुअली हमारा मशीन में वो चीज़ ऑलरेडी यहाँ सेव की हुई है, ठीक है। तो सॉफ्ट कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ से उसको प्रिंट दे दिया। अब हमारा बैक साइड प्रिंट हो रहा है।
जब तक हमारा बैक साइड प्रिंट हो रहा है तब तक हमने हमारे लेमिनेशन मशीन को हीट करने के लिए सेट करके चालू कर दिया है। अभी हमारा मशीन में हीट हो रहा है। जैसे उसका हीट होके मशीन का कमांड आ जाता है रेडी का। मशीन के बारे में बता दूं, छोटा मशीन हो बड़ा मशीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मशीन है वो 180 डिग्री तक हीट करना चाहिए, तभी कार्ड की मतलब वो एकदम थिकनेस और हार्डनेस आ पाएगी। अगर आपने कार्ड को बनाने में बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल किया, मतलब गर्मी अगर उसमें कम रही, हीट कम रही, तो कार्ड खराब हो सकता है। और कार्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए एक आसान सा तरीका ये होता है कि कार्ड को जब लगाए तब उसको पूरे ठीक तरीके से लगाए, तो जब कार्ड बाहर आ जाए तो उसको 2 या 4 सेकंड के लिए सरफेस पे टेबल पे उसको छोड़ दें। और जो ये कार्ड हमने देखा आपको शुरू में बताया, जो भी हम एक कार्ड में आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जो बना बनाया कार्ड है उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। कहिए इसको आप पानी में डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब देख सकते हैं कार्ड हमारा पानी में पड़ा है और हम उसको ऐसे रखते हैं जब तक हम लोग दूसरा कार्ड बनाते हैं, तब तक ये साइड में रहेगा इधर। अभी मेरा जो कार्ड प्रिंट होकर आ गया है, अभी वैसे जैसे मैंने बताया था वैसे हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। कार्ड को यहाँ से कोटिंग को खोल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल लेमिनेशन नहीं है, उसका स्पेशल कोटिंग है। इसके लगने के बाद क्या होता है कि उसको हम बीच में रख देते हैं, लगा दिया, फिर सेट कर दिया। अब हमारा मशीन लेमिनेशन मशीन रेडी है, उसमें से इसको हम पास कर रहे हैं। ये नॉर्मल लेमिनेशन नहीं है, इससे क्या होता है, स्पेशल कोटिंग का फायदा ये होता है कि उसको बीच में से काटने पर या पानी में डालने पर ये अलग नहीं होता, ये तीनों चीजें आपस में मेल्ट हो जाती है। अब देखिए उसको रखा हूँ मशीन में। अभी जो हमारे पास मशीन है वो एकदम गर्म हो चुकी है। मैंने बताया था मशीन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन 180 डिग्री तक गर्म होनी चाहिए। अब अभी कार्ड को यहाँ प्लेस कर रहे हैं साइड से, इस तरह साइड से जब हमारा कार्ड प्लेस हो रहा है तो फिर हमारा कार्ड आगे से पास होके बैक साइड उसका कार्ड निकल जाएगा। अभी हमारा कार्ड बैक साइड निकल गया है, फिर भी तसल्ली के लिए हम उसको दोबारा यहाँ से डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि बाई चांस थोड़ी बहुत हीट अगर छूट गई हो तो प्रॉपरली उसको सेट हो जाए। आप छोटे मशीन में भी कर सकते हैं, बड़े मशीन में भी कर सकते हैं हीट प्रॉपर आने पर। खास ध्यान रहे कि मैंने बताया वैसे ही जो रफ सरफेस है वो अंदर रहनी चाहिए और प्लेन सरफेस है बाहर रहनी चाहिए। अभी ये जो कार्ड बन चुका है उसको हमें यहाँ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ हैंडल काटने के बाद, अब हमारा एक फाइनल कार्ड तैयार हो गया, रेडी हो गया है। ये कार्ड है उसका मैंने प्लस पॉइंट पहले भी बताया था कि इसको ऊपर से भी लॉक है, नीचे से भी लॉक हो गया। पूरा लॉक होने की वजह से ये कार्ड है ना, इसको आप बीच में से काटने पर भी अलग नहीं होगा, तो इसकी मजबूती ये है वो एकदम बनी रहेगी। और बाकी कोई चीज़ और आपको चाहिए तो लिंक है उसको हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कार्ड के लिए भी हमने अमेजोन वगैरह का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद।